ना धीरता ना रे कल सौम्या और अर्जुन की शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में हो जाएगी। शर्मा, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कोर्ट में पहले से ही अप्लाई कर दिया। पंडित जी ने 12/36 का मुहूर्त दिया है। We need to hurry up। शादी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए रजिस्टर साहब। अरे शादी तो करवा देंगे पर दुल्हनिया कहाँ है? अब सौम्या दादी, नजर ना लगे, बहुत प्यारी लग रही है हमारी बहू। कितनी प्यारी लग रही है सौम्या। थैंक यू। अब देख, तेरे अंदर की सीरियल वाली सास जाग उठे उससे पहले इन दोनों को ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ बना देते हैं। ओके? हाँ माँ। हाँ जा सौम्या, आ बैठो। तुम्हारा क्या? ये रहे आपके शादी के पेपर, अब आप दोनों यहां साइन करेंगे और उनके बाद आपके दो दो विटनेस। एक मिनट, मैं देती हूं। थैंक यू। अब लड़का और लड़की की तरफ से दो दो विटनेस साइन करेंगे। लड़की की तरफ से दूसरा विटनेस कौन होगा? सौम्या की तरफ से दूसरे सिग्नेचर मैं कर देती हूँ। उसकी दोस्त होने के नाते ये लीजिए। Congratulations। अब आप दोनों कानूनन पति पत्नी हो गए। थैंक यू। सौम्या, अब तुम ऑफिशियली हमारे घर की बहू बन गई हो। अरे अंधी, ये हमारे घर की बहू ऑफिशियली तब बनेगी जब अग्निहोत्री मेंशन में गृह प्रवेश करेगी। हाँ। और वो भी अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी के हाथों। नहीं नहीं दादी, मैं। अरे कैसे नहीं, तेरी वजह से तो सौम्या इस परिवार से जुड़ पाई है
इस घर की बहू बन पाई है तो फिर उसका स्वागत तू नहीं करेगी? ऐसे कैसे हो सकता है? ये आपने ठीक कहा। तो फिर खड़े क्यों हैं? जल्दी से घर जा और गृह प्रवेश की सारी तैयारियां कर हम सब के पहुंचने से पहले। और सुन, बिल्कुल उसी तरह करना जिस तरह हमने तेरे स्वागत की तैयारियां की थी। आखिर अग्निहोत्री फैमिली की इज्जत का सवाल है ना? जी। अरे अभी तक फूल तक नहीं सजे, कितनी देर हो गई है शोभा, वो लोग आते ही होंगे। चलो जल्दी करो। शायद वो लोग आ गए। लक्ष्मी, हेलो। जी दादी। सोच क्या रही हो? आरती उतारो। पता नहीं सच्ची, क्यों पहली बार कोई सपना पूरा होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। सौम्या, अब अपने राइट पैर से कलश को आगे धक्का मारकर अंदर आ जाओ। क्या रेणुका, ये कैसा रूखा सूखा वेलकम कर रही है तू अपनी नई बहू का? यही तो हमारे घर की असली लक्ष्मी है। जी माँ। शोभा, कंगन लानो। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए, हमारे घर के खानदानी कंगन। नजर न लगे इनकी जोड़ी को। ये तुम्हारे लिए। मैं अभी आया। आ सामने। नहीं नहीं सौम्या, तुम्हारी जगह तो हम सबके दिल में है बेटा। आओ आओ आओ। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। दादी, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। लक्ष्मी तो ऐसे खुश हो रही, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। लक्ष्मी। जी दादी। मुझे तुझसे कुछ कहना था। मैं जानती हूं कि तू बहुत दुखी है, क्योंकि तुझे मैंने सौम्या का गृह प्रवेश करने को कहा। मेरा मतलब ऑफ कोर्स कुछ
आपका मतलब क्या है दादी? मैं समझ गई। और यकीन मानिए, आपका मुझसे ये पूछना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आंखें गीली हो गई लक्ष्मी की, यानी दादी का फॉर्मूला हिट है। लक्ष्मी अपसेट है और मन ही मन अर्जुन के लिए जल रही है। क्या सोच रही है दादी? नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं। पक्का? बल्कि मेरी जिंदगी की खुशियां तो दुगनी हो गई, और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही है। मम्मी पापा को इस शादी के लिए आप ही ने तो मनाया। देख लेना दादी, अब कोई दुख कोई तकलीफ हमारे घर को छू भी नहीं पाएगी। यस। सौम्या जो आ गई है। हाँ। ये क्या कह रही है बुआ? अर्जुन की दूसरी शादी? सपने हर कोई देखता है, पर उसे पूरा करने के लिए अपने पति को बेचना सरासर पागलपन है। आज तक मैंने शिवजी से यही मांगा कि मेरी लक्ष्मी की हर इच्छा पूरी, लेकिन उसकी ये इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। अरे रुक, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन लक्ष्मी का ये सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के सपनों की दीवार के सामने ना हम सब हथौड़ा लेके खड़े। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। ये सब बातें ना हमारी समझ के परे हैं एकदम। तू तो खाली इतना समझ ले कि जब तक कलयुग की कृष्णा, मतलब हमारी दादी जी, उस घर में है ना, वो अपनी लीला रचती रहेंगी। संक्षेप में कहने का अर्थ ये है कि दादी जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जो नीति के विरुद्ध हो, और हमें उनका साथ देना। ये भी कोई कहने की बात है? आज तक लक्ष्मी ने हमारी हर मुसीबत दूर की है, अब हमारी बारी। अरे सरस्वती, लक्ष्मी की खिचड़ी तो पक जाएगी। तू बैठ बैठ बैठ, मुझे ये बता कि तेरा ड्रामा कैसे चल रहा है? विशाल जी ने कुछ कहा? लक्ष्मी ने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही किया। बदलाव तो आ रहा है पर पूरी तरह से नहीं। पर देख ना सरस्वती, लक्ष्मी विशाल जी को सही रास्ता दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है और खुद ही रास्ता भूल गई। नहीं बुआ, लक्ष्मी रास्ते पे आएगी, क्योंकि मेरी बहन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैया भाभी ध्यान से सुनिए, जब लक्ष्मी भाभी ये अंगूठी को उस दूध में डालेगी तो आपको और अर्जुन भैया को छत से अपना राइट हैंड डाल के इस दूध में से अंगूठी ढूंढनी होगी। अगर अंगूठी पहले अर्जुन भैया ने ढूंढ ली तो लाइफ टाइम वो आप पे डोमिनेट करेंगे, और अगर अंगूठी आपने ढूंढ ली तो उम्र भर आप उन पे राज करेंगी। अर्जुन, तू अपनी पहली बीवी से तो हार गया था, इसीलिए तुझे एक और मौका दिया है, अब के मत हारना। हाँ, डोंट वरी दादी, देखना इस बार तो अर्जुन भैया जीतेंगे। अरे बिल्कुल अर्जुन जीतेगा। अरे नहीं नहीं, जीत तो इस घर की नई लक्ष्मी की होगी, देख लेना आप। माँ, चलो शुरू हो जाओ, कम ऑन कम ऑन। यस 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 यस, 1 2 3 यस यस। अर्जुन चलिए भाभी जल्दी, भाभी। अरे कम ऑन भैया, चलो सौम्या जीत गई। देखा माँ, मैंने कहा था ना, जीत तो मेरी बहू की ही होगी। कंग्रेचुलेशंस बेटा। और तूने तो मेरी नाके कटवा दी, अब रहना दो दो बीवियों से दब के जिंदगी भर। अरे ऐसे मत कहिए माँ, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। हाँ वैसे लक्ष्मी के वक्त इस खेल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, याद है तुम्हें सौम्या? कैसे लक्ष्मी के हाथों में बंधा शगुन का धागा तुम्हारे पैरों में आकर गिरा था।
लेकिन मेरी सौम्या तो जेन्यूनली जीती है, है ना सौम्या? नहीं नहीं मम्मी, मेरे टाइम पे मैंने जब ये रस्म की थी ना तो अर्जुन ने चीटिंग की थी। जीत किसी की भी हो, पति पत्नी सुख से रहें, बस हम तो यही चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो अर्जुन की पहली शादी मिस कर दी थी, लेकिन आज लक्ष्मी की बदौलत ये अरमान भी पूरे हो गए। रेणुका, नजर उतार ले अपने अर्जुन की। अर्जुन तो बड़ा ही लकी है, पहले उससे लक्ष्मी जैसी हिंदुस्तानी और संस्कारी बीवी मिली थी, और अब सौम्या जैसी ऊंची सोसाइटी अटेंड करने वाली हाई फाई बीवी मिली है। अर्जुन के तो क्या कहने। वैसे लक्ष्मी, तुम तो बड़ी देवी निकली जो अपनी ही सौत का स्वागत इतनी खुशी से किया तुमने। भाई तो आंटी जी, हिंदी पिक्चरों की तरह सौम्या मेरी सौत थोड़ी है, बल्कि असल जिंदगी की तरह अपनी बहन मानकर उसे इस घर की बहू बनाया मैंने। और देख लेना, ये रिश्ता सिर्फ कहने का नहीं, जिंदगी भर निभाएंगे हम। लक्ष्मी भाभी, नई भाभी और अर्जुन भैया का सुहागरात का कमरा हमने तैयार कर दिया है। अब बस आप आके एक बार ओके कर दीजिए। सुहागरात का कमरा? हाँ हाँ भाभी, ये सब तो हमने आपके टाइम पे भी किया था ना। वो क्या है ना, हम सौम्या भाभी को इतने अच्छे से जानते नहीं है, और आपकी तो ये बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो इनका टेस्ट आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, राइट? नमस्ते जी। दादी, सुहागरात। अरे रिलैक्स बॉयफ्रेंड, देख लंबी गहरी सांस ले और लक्ष्मी के चेहरे पर जलन की लकीरें देखो, खुश हो जाओ। सुहागरात की बात तो मैंने सोची नहीं। सोच क्या रही है भाभी? कुछ नहीं, मैं भी तो यही कहने वाली थी। चलो चलो आ जाओ। आइए भाभी। सो भाभी, कैसे लगा आपको हमारा अरेंजमेंट? है ना एकदम टॉप क्लास? हाँ। अरे लेकिन फूल कहाँ है? भाभी, वो हमने यहाँ असली फूल नहीं रखे। क्यों? वो क्या है ना भाभी, हमें लगा अगर सौम्या भाभी की स्किन ओवर सेंसिटिव हुई तो यू नो रोज पेटल से उनकी स्किन में रैशेस भी आ सकते हैं, इसीलिए। और वैसे भी भाभी, उसे एकदम पुराना तरीका है, यू नो बिल्कुल एलएस टाइप्स, तो हमने सोचा कि उनका समा बांधने के लिए ये सेंटेड कैंडल्स ही बहुत है। अच्छा दूध का ग्लास नहीं दिख रहा। भाभी वो क्या है ना, सौम्या भाभी को वाइन पसंद है, तो उनके लिए हमने 18 साल पुरानी फ्रेंच वाइन रखी है। क्या वाइन? लक्ष्मी वेलकम। भाभी आई होप आपको और भैया को ये अरेंजमेंट पसंद आएगा। वैसे अब हम लोगों का काम भी खत्म हो गया है, चल स्वाती तुम जाओ, मैं तो अपना नेक लेकर इस कमरे से बाहर कदम रखूंगी। कैसा नेक? इस बार नेक तुझे नहीं मिलने वाला, लक्ष्मी को मिलने वाला है। क्यों दादी, मुझे क्यों? देख, जब तेरी और अर्जुन की शादी हुई थी तो स्वाति को तो नेक मिल चुका था, तो कायदे से अर्जुन और सौम्या की शादी में नेक सौम्या की सौतन को मिलेगी। ना धीरता ना रे।